प्रस्तुत है केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित लोकगीत एवं लोक भजनों पर आधारित विशेष कार्यक्रम देवकी को लाल जसोदा दुलारो। वाचक स्वर शोभना भारद्वाज एवं सिद्धार्थ भारद्वाज। परिकल्पना आलेख एवं प्रस्तुति रंगोली श्रीवास्तव। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। देवकी को लाल जसोदा दुलारो। नंदलाला मेरे नैनों के तारे, नंदलाला मेरे नैनों के तारे। शाम चंदन बस गयो रे, बस गयो रे। जागिए ब्रजराज कुमार, कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुमार, कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुमार, भजो मन नंद नंदन गिरधारी, नंद नंदन गिरधारी। भजो मन नंद नंदन गिरधारी, नंद नंदन गिरधारी। आकाशवाणी ध्वनि संग्रह। कोई गिरधारी को पुकार रहा है तो किसी के मन में श्याम की सुंदर आंखें बसी हैं। कोई नंदलाला को आंखों में संजोए है तो कोई ब्रज राजकुमार को जगा रहा है। अपने अनंत रूप अनेक प्रसंगों से कन्हाई ने लोकमानस पटल पर जो अमिट छाप छोड़ी है वो आज भी जीवंत है। पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अवतरण द्वापर युग में तब हुआ जब राक्षसों के अत्याचार से प्रजा त्रस्त थी। श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। देवकी का भाई कंस दुष्ट और क्रूर था। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान ही कंस का काल बनती। इसीलिए कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंसासुर मथुरा को राजा, नीच कुकर्मी बदकारी, अपने बहनों ही भगनी के हाथ पांव बेड़ी डारी। कंसासुर मथुरा को राजा, नीच कुकर्मी बदकारी, और अपने बहनों ही भगनी के हाथ पांव बेड़ी डारी। और बनमंडराए कारागृह में नचनी यातना दई भारी, पाप बढ़े भारी, तो हाथ जोर के किलकारी। कराए कारागृह में कठिनी यातना दई भारी, और मी पे पाप बड़े भारी, तो हाथ जोर के किलकारी। और हे प्रभु रक्षा करो हमारी, हे प्रभु रक्षा करो हमारी, जग के पालन हार या जन्माते तू कैसे लियो। दैत करन लागे धरती पे, दैत करन लागे धरती पे, बड़ बड़ अत्याचार या जन्माते तू कृष्ण लियो अवतार। भादों पदी अष्टमी तू हर कारागृह में जन्म लियो, वसुदेव देव की मात पिता दोनों को बंधन मुक्त कियो। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है।
और अद्भुत रूप लखो लाला को गायो पित मात ही और नंद भवन पहुँचाए उपदेश दियो अद्भुत रूप लखो लाला को उमगायो पित मात ही और नंद भवन पहुँचाओ मुखू फिर उपदेश दियो और ले बस देव चले गोकुल रही ले बस देव चले गोकुल रही यमुना चरण बखार या जन्मा के खू कृष्ण लियो अवतार या जन्मा के खू कृष्ण लियो अवतार बैत करन लागे धरती पे बैत करन लागे धरती पे पढ़ाचार या जन्मा के खू कृष्ण लियो मैया निकट जाए अपनो सुख श्याम सुवायो है और उनकी कन्या को हर तुरंत उठायो है कारागृह में बंद भय उत्कंठा सुर उठ भायो है और कारागृह भय आज देवकी के अत को साचायो है मारन धायो तरस मिलायो मारन धायो तरस मिलायो मच गई देव योग से आठवीं संतान के जन्म के समय सब सैनिक सो गए। शिशु कृष्ण ने पिता वसुदेव को उन्हें गोकुल में नंद के घर पहुंचाने और वहां से योग माया को उनके स्थान पर यहाँ लाने का प्रथम उपदेश दिया। और सवेरे जब नंद के घर बालक होने की बात सबको पता चली तो नंद बाबा के घर भीड़ लग गई। राजू नंद के द्वारे भी 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 एक आवत एक जात विदा में एक ठाड़े Okay.
कन्हैया को पाकर नंद और जसोदा जैसे निहाल हो गए। मैया जसोदा मन ही मन प्रफुल्लित हुई और घर आंगन ढोलक बजने लगे। अरे रात को हम कन्या जलवाए गए, रात को हम कन्या जनवाए गए, अब भय कुंवर कन्हैया यशोदा जी ते हस हस पूछे दाई, यशोदा जी ते हस हस पूछे दाई। अरे रात को हम कन्या जनवाए गए, अब भय कुंवर कन्हैया यशोदा जी ते हस हस पूछे दाई, यशोदा जी ते हस हस पूछे दाई। अरे हम तो सोई लाल पलंग पे हमें खबर कछु नाई, हम तो सोई लाल पलंग पे हमें खबर कछु नाई, कन्या भई के लाल भई है, हाँ कन्या भई के लाल भई है, तुमरी तो तुम जानु दाई, यशोदा जी ते हस हस पूछे दाई, यशोदा जी ते हस हस पूछे दाई। अरे रुपया पैसा नंदी मांगे मोहर अशर भीताई, रुपया पैसा नंदी मांगे मोहर अशर भीताई, मेहराने ते छोचक आयो, हाँ मेहराने ते छोचक आयो, तेरे ललने की बधाई, यशोदा जी ते हस हस पूछे दाई, यशोदा जी ते हस हस पूछे दाई। देवकी का लाल जसोदा का दुलारा कन्हैया बन गया। जसोदा माँ वात्सल्य से भर कन्हैया को कभी दुलारती, कभी पुचकारती, तो कभी पालना झुलाती। Thank you.
गोकुलवासी भी कान्हा से सम्मोहित हो गए और कहीं मन लगे ही नहीं। कान्हा का सुंदर रूप, कमल नयन, मनमोहक मुस्कान, जो एक बार देख ले वो उसी में खो जाए। जाको मन लाग्यो नंदलाल ही, ताही और नहीं भावे हो। जाको मन लाग्यो नंदलाल ही, ताही और नहीं भावे हो। जाको मन लाग्यो नंदलाल ही। स्वाद न बतावे हो। जाको मन लाग्यो नंदलाल ही। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जैसे सरिता मिले सिंधु को, बहुरी प्रवाह न आवे। स्वाद न बतावे हो। जाको मन लाग्यो नंदलाल ही। एक ओर गोकुल में उत्सव हो रहा था, दूसरी ओर जब कंस योग माया को मारने चला तो दूसरी भविष्यवाणी है कि कंस का काल तो जन्म ले चुका है। ये जानकर कंस ने चारों ओर दूत भेजे जिन्होंने कई नवजात शिशुओं को मारा। कान्हा को मारने अनेक असुर आए, सो बचपन से ही कान्हा ने असुर संहार आरंभ कर दिया। सबको यही लगा कि अब कठिनाइयां समाप्त हुई। ऐसा लगा मानो अब भाग्योदय हुआ है। सजने जागे भाग्य हमारे री, कान्हा ने जन्म लियो गे। सजने जागे भाग्य हमारे री, कान्हा ने जन्म लियो गे। कान्हा ने जन्म लियो गे, यशोदा के ललन भयो गे। कान्हा ने जन्म लियो गे, यशोदा के ललन भयो गे। सजनी जागे भाग्य हमारे री, कान्हा ने जन्म लियो गे। सजनी जागे भाग्य हमारे री, कान्हा ने जन्म लियो गे। लाला जन्म सुनत सब धाये, लाला जन्म सुनत सब धाये। पुरवासी सब लोग लुगाए, पुरवासी सब लोग लुगाए। लाला जन्म सुनत सब धाये, पुरवासी सब लोग लुगाए। प्रगटे अखियन के तारे री, कान्हा ने जन्म लियो गे। प्रगटे अखियन के तारे री, कान्हा ने जन्म लियो गे। सजनी जागे भागे हमारे री, लाला ने जन्म लियो गे।
सब मिल परमानंद मनावे, जूत के जूत नंद घर आवे, सब मिल परमानंद मनावे, जूत के जूत नंद घर आवे, सब मिल परमानंद मनावे, जूत के जूत नंद घर आवे, जन्मे ब्रज के रखवारे री कान्हा ने जन्म लियो गे, जन्मे ब्रज के रखवारे री कान्हा ने जन्म लियो गे, कान्हा ने जन्म लियो गे, यशोदा के ललन भयोगे, सजनी जागे भाग्य हमारे री लाला ने जन्म लियो। लगे आज चौबारे नीके लगे आज चौबारे, बाजे बधाई घर घर द्वारे, बाजे बधाई घर घर द्वारे, नीके लगे आज चौबारे, बाजे बधाई घर घर द्वारे, तीनों लोकन उजियारे री कान्हा ने जन्म लियोगे, तीनों लोकन उजियारे री कान्हा ने जन्म लियो गे, सजनी जागे भाग्य हमारे रे लाला ने जन्म लियो गे। युवा होने पर उन्होंने कंस को मारकर अपने जन्मदाता देव की वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। उन्होंने महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। युद्ध भूमि में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी हमें धर्म अनुरूप कर्म करने की राह दिखाता है। साधारण रूप में ग्वाले की तरह पले बढ़े श्री कृष्ण ने असुरों का संहार करके धर्म की पुनर्स्थापना की। अधर्म का सामना धर्म पूर्वक और धैर्य पूर्वक करने की सीख हमारे जीवन संघर्ष में हमें धर्म स्थित रहने का मनोबल प्रदान करती है।
अभी आपने सुना केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित लोकगीत एवं लोक भजनों पर आधारित विशेष कार्यक्रम देवकी को लाल जसोदा दुलारो। वाचक स्वर थे शोभना भारद्वाज एवं सिद्धार्थ भारद्वाज। परिकल्पना, आलेख एवं प्रस्तुति रंगोली श्रीवास्तव। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है।